पूजा शर्मा। पीएम मोदी योगी सरकार पार्ट टू द्वारा आयोजित थर्ड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंच गए हैं। पीएम प्रदेश में 80,000 करोड़ रुपए के निवेश की आधारशिला रखेंगे। इंदिरा प्रतिष्ठान में होने वाले कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो पीएम मोदी योगी सरकार पार्ट टू द्वारा आयोजित थर्ड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंच चुके हैं और पीएम प्रदेश में 80,000 करोड़ रुपए के निवेश की आधारशिला रखेंगे। इंदिरा प्रतिष्ठान में होने वाले कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लगभग 50 स्टॉल्स हैं, कुछ स्टार्टअप के हैं और कुछ प्राइवेट स्टॉल्स हैं। माननीय प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। आज लगभग 80,224 करोड़ की 1406 परियोजनाओं के प्रस्ताव पर आधारित ये तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग। तो पीएम मोदी योगी सरकार पार्ट टू द्वारा आयोजित थर्ड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंच चुके हैं और पीएम प्रदेश में 80,000 करोड़ रुपए की निवेश की आधारशिला रखेंगे। इंदिरा प्रतिष्ठान में होने वाले कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। एसोसिएट एडिटर आलोक गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, क्या जानकारी? आज बड़े स्तर पर ये कार्यक्रम जिसका आयोजन लखनऊ में किया गया है, पीएम नरेंद्र मोदी जो कि इस वक्त पहुंच चुके हैं लखनऊ। बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा, इस वक्त मौजूद हूँ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में और प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, मुख्यमंत्री योगी है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है, तमाम दिग्गज नेता के साथ देश के तमाम दिग्गज उद्यमी भी यहाँ पर मौजूद है। अडानी यहाँ पर खुद मौजूद है और इसके अलावा तमाम और जो इंडस्ट्रीस्ट है वो पहुंचे हैं, चाहे वो हॉस्पिटल क्षेत्र के हों, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के हों। फिल्म की बात करें तो बोनी कपूर खुद पहुंचे हुए। हम टीवी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जो गैलरी है, डिजिटल गैलरी है, उसका अवलोकन कर रहे हैं और उनके साथ मौजूद है मुख्यमंत्री योगी, साथ ही कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, ये सारे दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद है और जो आज कहीं ना कहीं प्रदेश के विकास की एक नई इबारत यहाँ पर लिखने का काम करेंगे। 80,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाएं हैं जिनका एमओयू साइन होगा प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में प्रदेश के विकास में तमाम ऐसे सेक्टर हैं जिनके लिए ये एक नई इबारत यहाँ पर लिखने का काम किया जाएगा। करीब 1400 से ज़्यादा कंपनियाँ हैं देश की, विदेश की, जिनके डेलीगेट्स यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, चाहे वो पूर्वांचल के विकास की बात हो, मध्य उत्तर प्रदेश के विकास की बात हो, पश्चिमांचल की बात हो या फिर पूर्वांचल की बात हो। निवेशकों का सबसे बड़ा टारगेट है, खासतौर से जहाँ के लिए निवेशक ज़्यादा आए हैं वो है वेस्टर्न यूपी। हालांकि तमाम उद्यमियों से मेरी बात हुई है, सबका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश विकास की एक नई कहानी लिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर कानून व्यवस्था दूसरे राज्यों की तुलना में कहीं बेहतर है और सिंगल विंडो सिस्टम से यहाँ पर काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी सीधे यहाँ पर पहुँच चुके हैं, करीब 1.5 घंटे यहाँ पर रहेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी, एक गैलरी बनाई गई है जहाँ पर वो अवलोकन कर रहे हैं तमाम सारे प्रोजेक्ट्स का, तमाम वहाँ पर प्रोजेक्ट्स की डमी रखी गई है, उन डमी को देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी उनको एक एक चीज़ को समझा रहे हैं। केंद्र सरकार के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद है, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मौजूद है। सीधी तस्वीरें सहारा समय के दर्शक आप देख रहे हैं। हमारे सहयोगी रजत सिन्हा हमारे साथ मौजूद है। रजत जी, योगी पार्ट टू में पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है, उत्तर प्रदेश के विकास के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के विकास के लिए पार्ट टू की ये जो पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, और कहना चाहिए कि तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी योगी सरकार की, ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। 80,000 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी, 80,000 करोड़ का निवेश होगा, 1407 से अधिक प्रस्ताव आए हैं।
आलोक जी, मैं एक बात और बताऊं, जब पहली योगी सरकार की पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 29 जुलाई 2018 को हुई थी, उस समय 61,800 करोड़ रुपए का निवेश की बात हुई थी और 81 परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई थी। दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो है वो 28 जुलाई 2019 को हुई और उसमें 67,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई थी और 290 परियोजनाएं थी। कहीं ना कहीं लगातार योगी राज में प्रदेश जो है विकास की तरफ बढ़ता जा रहा है। जैसे मैंने बताया कि पहली जब ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी 29 जुलाई 2018 को तो 61,800 करोड़ रुपए की नींव रखी गई थी, परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई थी, निवेश आया था। दूसरी में 67,000 करोड़ हुआ था और आज ये 80,000 करोड़ से कहीं ज़्यादा हो गया है। तो निश्चित ही उत्तर प्रदेश के विकास के लिए आज की जो तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है और योगी सरकार की दूसरी है, वो मील का पत्थर साबित होगी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए। बिल्कुल मील का पत्थर साबित होगी। मैं आपको एक खास बात बता दूँ, तमाम उद्यमियों से मेरी बात हुई है और उसमें से कई 1,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश कर रहे थे, कुछ 2 से 2.5 करोड़ का, लेकिन उत्साह दोनों ही उद्यमियों में बराबर का था। बल्कि जो लघु उद्यमी हैं एमएसएमई सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उनका ही कहना था कि जो माहौल है उत्तर प्रदेश के अंदर का, चाहे उन्हें कोल्ड स्टोरेज लगाना हो, राइस मिल लगाना हो, छोटा उद्यम कोई भी एक विकसित करना हो, तो जो सहूलियतें मिल रही हैं, इतना आत्मविश्वास देखने को मिला कि उनका कहना है कि वो आने वाले दिनों में बड़ी इंडस्ट्रीज को सीधे टक्कर देंगे। और अगर इसी तरीके का माहौल रहा तो निश्चित तौर पर योगी पार्ट वन ने जो आधारशिला रखी थी वो अब उसकी इमारत भी अब बनते हुए देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि देश के कोने कोने से तमाम उद्यमियों ने उत्तर प्रदेश पर अपना भरोसा जताया है और यहाँ निवेश के लिए आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब के बावजूद पूर्वांचल और बुंदेलखंड के प्रति लोगों का जो रुझान है वो थोड़ा कम देखने को मिला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहाँ नोएडा गाजियाबाद का इलाका है, जीआर का इलाका है, वहाँ के लिए आकर्षक अभी निवेशकों के लिए अभी भी वो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बिल्कुल। सुविधाएं की अगर बात करें तो अगर आप पूर्वांचल में इंडस्ट्री लगाएंगे, बुंदेलखंड में इंडस्ट्री लगाएंगे, तो वहाँ पर कई सुविधाएँ अतिरिक्त दी जा रही है जो कि वेस्टर्न यूपी के डिस्ट्रिक्ट के पास नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इजाफा हो रहा है। बुंदेलखंड की अगर बात करते हैं तो 3,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाएं हैं, तो वहीं पश्चिम में उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 45,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए हैं। जी बिल्कुल आलोक जी, देखिए योजना बहुत बड़ी है और देख पा रहे हैं हम कि जो सेरेमनी है वो कितने हज़ार करोड़ की है। ऐसे में अगर हम इन क्षेत्रों की बात कर लें कि कौन कौन से क्षेत्र इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं, तो आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएसएमई, फार्मा, पर्यटन, रक्षा और एयर, काफ़ी सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो कि इसमें शामिल होने वाले हैं। तो आज किन किन लोगों की एंट्री, क्या आम लोग भी इस सेरेमनी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि कई उद्यमी आ रहे हैं, कई मंत्री इसमें शामिल हो रहे हैं, कई बड़े नेता इसमें शामिल हो रहे हैं, क्या आम लोगों की एंट्री भी इस सेरेमनी में? देखिए मैं स्पष्ट बता दूँ कि जो डेलीगेट्स हैं उनको ही बुलाया गया है, जो उनका कहीं ना कहीं एमओयू जिन्हें साइन करना है, प्रदेश के विकास में जिनकी भागीदार होना है। आम जनता के लिए इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान अभी नहीं खुला है, चूँकि हजारों की संख्या में डेलीगेट्स हैं और प्रधानमंत्री की मौजूदगी है, तो लिहाजा सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर उत्तर प्रदेश और देश की जनता लखनऊ में इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को सीधे लाइव देख सकती है और इसके सारे इंतजाम भी सरकार की तरफ से किए गए हैं। तो लिया जाए, यहाँ पर डेलीगेट्स पहुँच चुके हैं, हाउस जो है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान वो फुल हो चुका है, प्रधानमंत्री मौजूद हैं। हम एक बार फिर से सीधे तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी अभी इंस्पेक्शन कर रहे हैं, जो हाल है वहाँ पर एक एक चीज़ को देख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके साथ में मौजूद हैं, दोनों डिप्टी सीएम हैं, सीएम हैं, और उत्तर प्रदेश के जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं नंदगोपाल वह भी मौजूद हैं। तमाम सारे केंद्रीय मंत्री हैं यहाँ पर, महेंद्र नाथ पांडे यहाँ पर मौजूद हैं, उसके साथ ही कौशल किशोर यहाँ पर मौजूद हैं। तो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए मैं अपने सहयोगी लीडर से एक सवाल पूछता हूँ, अभी भी तमाम सारे प्रयासों के बावजूद बुंदेलखंड के लिए और पूर्वांचल मध्य यूपी के लिए निवेशक उतना आकर्षित क्यों नहीं हो पा रहे हैं? लेकिन निश्चित आलोक जी, जिस तरीके से अगर मैं तीनों ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की बात करूं, चाहे पहला हो जो 28 जुलाई 2018 को हुआ, फिर दूसरा 29 जुलाई 2019 को और तीसरा आज यानी 3 जून 2022 को,
कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश उसे खासा पसंद आ रहा है। हालांकि जो राज्य सरकार है उसका इस बात पर पूरा जोर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल भी आता है, बुंदेलखंड भी आता है, पश्चिमांचल भी आता है, और जैसे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी आता है कहीं ना कहीं। लेकिन निवेशकों में जो उत्साह है या जो निवेश करना चाहते हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शायद ज़्यादा। इसके पीछे की एक वजह ये भी हो सकती है कि नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली सटा हुआ इलाका और यहाँ पर डेवलपमेंट की बहुत संभावना है। हालांकि जो डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है वो छू रहा है, जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन रहा है वो बुंदेलखंड के विकास को नई दिशा दे रहा है। और अगर मैं आज के निवेश की बात करूं तो 30 कंपनियां ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश में 500 करोड़ से कहीं ज्यादा का निवेश करने जा रही है, और इस तरीके से ये निवेश 44,000 करोड़ रुपए का लगभग होगा। उसी तरीके से 108 कंपनियां ऐसी हैं जो 1 करोड़ से लेकर 499 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी, और इनकी संख्या जो है वो 108 होगी और इसका निवेश जो है लगभग 24,000 करोड़ रुपए होगा। तो सही सवाल आपका है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश ज्यादा पसंद आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। छोटा निवेश करता और जो 1 करोड़ से लेकर के 499 करोड़ तक निवेश करता है वो प्रदेश के दूसरे हिस्सों की तरफ भी जा रहा है और उन्हें राज्य सरकार हर वो सुविधा भी मुहैया करा रही है। बिल्कुल, एक चीज और देखने को मिली थी, तमाम छोटे जिलों के भी उद्यमी यहाँ पर पहुंचे हैं। फतेहपुर है, उन्नाव है, बांदा है, हमीरपुर है, इन जिलों के भी उद्यमी यहाँ पर पहुंचे हैं, भले ही उनका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा नहीं है। निश्चित तौर पर आलोक जी, एक बहुत बड़ा सवाल आपने किया और अच्छा सवाल है कि इस सरकार में चाहे बड़ा उद्योगपति हो या छोटा उद्योगपति, उसको उतना ही सम्मान मिल रहा है, उसको उतनी ही सुविधा मिल रही है। शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि चाहे वो 1 करोड़ का निवेश करता हो या 1,000 करोड़ का निवेश करता, उसे सम्मान इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान बुलाया गया है। जो सहूलतें उसे अपना उद्योग स्थापित करने के लिए चाहिए, चाहे वो 1,000 करोड़ का निवेश करता, बड़े उद्योगपति हो देश विदेश के, या एक जिले का छोटा निवेश करता हो, छोटा उद्योगपति, उसे भी वही सुविधाएं मिल रही है। और शायद यही उत्साह का कारण भी है कि बड़ी संख्या में कहा जा सकता है कि छोटे निवेशकर्ताओं ने भी इस ग्राउंड थर्ड ब्रेकिंग सेरेमनी में। ये सवाल मैंने इसलिए भी किया है क्योंकि आप लगातार फोकस कर रहे हैं कि 500 करोड़ से ज्यादा के इन्वेस्ट करने वाले 30 हैं, लेकिन 1,000, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ वाले इनकी तादाद 100 से कहीं ज्यादा है। और उनके चेहरे पर जो मुस्कान है, जो उम्मीदें हैं, वो कहीं ना कहीं नए उत्तर प्रदेश के की ओर उनका इशारा जा रहा है। और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम बड़े उद्यमियों को सीधी टक्कर देंगे, क्योंकि जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके की सुविधा है, जिस तरीके की कानून व्यवस्था है और सिंगल विंडो सिस्टम है, तमाम लोगों का कहना है कि जो निवेश मित्र पोर्टल बनाया है सरकार ने वो उनके लिए बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। बहुत उपयोगी साबित होगा। साथ ही साथ अगर हम देख रहे हैं कि निवेश की जो प्रस्ताव है वो धरातल पर कितने ज्यादा उतर रहे हैं, तो करीब करीब 80,000 करोड़ का निवेश की तैयारी धरातल पर उतरने की है। भारत में अगर हम बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा MSME किस प्रदेश में है, तो वो प्रदेश है उत्तर प्रदेश। आलोक जी, निश्चित तौर पर देखिए, मैंने जैसा रजत भाई ने बताया है कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का ही नतीजा है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस बनकर तैयार है, जहां पर डिफेंस कॉरिडोर को बनाया जाना है। इसके साथ ही पूर्वांचल को जोड़ने वाला एक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनकर तैयार हो गया है, जबकि एक एक्सप्रेस वे पर काम और चल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर MSME को बढ़ावा देने का काम योगी सरकार ने किया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बढ़ाने का काम योगी सरकार ने किया है। और केवल सरकार की बात है, ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर उद्यमी से जुड़े हुए। और मैं आपको फिलहाल दिखाऊंगा कि क्या स्थिति है, एक बार फिर से ताजी तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर मौजूद है और एक एक जो पैवेलियन बनाया गया है उसका निरीक्षण कर रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ में, और तमाम केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मौजूद है, तमाम उद्यमी यहां पर पहुंचे हैं। कुछ खास उद्यमियों की बात हम कर रहे थे, अडानी समूह के गौतम अडानी यहां पर हैं, और कौन कौन से इंडस्ट्रीज है, फिल्म के क्षेत्र में देखा जाए वोनी कपूर है, हॉस्पिटल के क्षेत्र में नोएडा के डॉक्टर डी के गुप्ता है, और कौन कौन से प्रमुख नाम। तमाम अगर बड़े उद्योगपति आज के इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में हिस्सा लेकर, मैं बड़े उद्योगपतियों की बात करूँ तो आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुराम कुमार मंगलम बिड़ला है, हीरा नंदानी ग्रुप के चेयरमैन निरंजन हीरा नंदानी है, एयर लिक्विड लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट मैथ्यू आयरिस हैं, रिलायंस न्यू एनर्जी सोर लिमिटेड के निदेशक अनंत अंबानी हैं, और तमाम ऐसे बड़े उद्योगपति विदेश और देश के आए हैं जो उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात आलोक जी, ये कुछ ऐसे निवेशकर्ता हैं, चाहे मैं गौतम अडानी की बात करूँ जो अडानी ग्रुप से है, या कुमार मंगलम बिड़ला की बात करूं जो बिड़ला ग्रुप से मत रखते हैं, ये हर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में आए हैं और उन उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कुछ ना कुछ जरूर। बिल्कुल 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 सही बात कही है कि ऐसा नहीं है कि केवल एक बार आए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में, MOU किया और दोबारा शकल दिखाने नहीं आए। हर सरकार के कार्यक्रम में
देश के जो टॉप उद्यमी है वो भरोसा जता रहे हैं, उनकी मौजूदगी इस बात का एहसास कराती है प्रदेश की जनता को कि उत्तर प्रदेश में जो निवेश के क्षेत्र में काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो काम हो रहा है, इंडस्ट्रीज लगाने के क्षेत्र में जो काम हो रहा है, वो कहीं ना कहीं सही दिशा में है और लोगों का भरोसा कायम है। एक बार मैं फिर से दिखाऊंगा प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर, आपको एक बार फिर से सारा समय के दर्शक देख सकते हैं कि ये डिफेंस का एक पवेलियन है जहाँ पर प्रधानमंत्री मौजूद हैं। और आज के इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में तमाम एनर्जी क्षेत्र से जुड़ी हुई भी कंपनियां पहुंची हैं, चाहे वो सोलर के क्षेत्र के बात कर रहे हों या फिर बिजली के कारखाने लगाने की बात कर रहे हों, फिर डिफेंस के क्षेत्र में भी तमाम कंपनियों ने यहां पर भरोसा जताया है, मौजूद है यहां पर तमाम लोग, उनके जो निवेशक हैं। ये एयरफोर्स का एक पैवेलियन है, आप सीधे देख सकते हैं कि जहाँ पर ये रॉकेट लॉन्चर है। और कुछ ही मिनट में प्रधानमंत्री मोदी सीधे रूबरू होंगे और अपना उद्यमियों से रूबरू होंगे, एक फोटो सेशन का कार्यक्रम रखा गया है। और मुख्यमंत्री योगी उससे पहले बताएंगे कि किस तरीके के निवेशक यहां पर मौजूद हैं, कितना निवेश हो रहा है। एक ब्रीफ समरी सबसे पहले मुख्यमंत्री देंगे, उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा और 12:30 बजे करीब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से वापस निकलेंगे। जी, प्रदेश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और एक बहुत अहम दिन है ये आलोक जी, क्योंकि देख रहे हैं हम कि जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है ये तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है उत्तर प्रदेश में, और ऐसे में 80,000 करोड़ का जो धरातल पर हम आज देखेंगे कि किस तरह से पीएम मोदी एक तोहफा देने जा रहे हैं। बहुत उम्मीदें हैं यहाँ पर, कई उद्योगपतियों की आने की उम्मीदें बताई जा रही हैं। भारत में अगर हम बात कर रहे हैं, प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, तो एमएसएमई का सबसे एक बड़ा क्षेत्र उत्तर प्रदेश कहलाता है। देश और दुनिया के दिग्गज तो इसमें शामिल हो ही रहे हैं। साथ ही साथ अगर सुरक्षा के मद्देनज़र बात करें, क्योंकि वैसे तो तीसरा है ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, लेकिन अब तक किस तरह से सुरक्षा आप देख पा रहे हैं, क्योंकि कई दिग्गज लखनऊ में आज मौजूद हैं? निश्चित तौर पर देखिए, जब प्रधानमंत्री का आगमन हो और ऐसे में जबकि देश के टॉप इंडस्ट्रीज हो जिन्हें खुद पहले से ही केंद्र से सुरक्षा हासिल है, उनके राज्यों में सुरक्षा हासिल है, तो प्रशासन को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। और सुरक्षा की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान को प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मद्देनज़र तैनात किया गया है। तमाम संख्या में यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद है, सुरक्षा के लिहाज से क्या कहेंगे आप? तमाम उद्यमी है जिनको खुद सुरक्षा मिली हो, प्रधानमंत्री मौजूद? देखिए, जहाँ प्रधानमंत्री मौजूद हों आलोक जी, वहाँ पर सुरक्षा अपने आप में बड़ी हो जाती है। प्रधानमंत्री SPG प्रोटेक्टिव हैं, SPG पहले से आ जाती है, चप्पे चप्पे पर लोकल पुलिस तैनात होती है, सिविल पुलिस तैनात होती है, ड्रोन कैमरे से निगरानी होती है। अगर मैं आपको आज के कार्यक्रम में बात करूँ तो निश्चित तौर पर तमाम बड़े उद्योगपति देश विदेश के आए हैं, उनकी अपनी सुरक्षा भी है, निजी सुरक्षा भी उनकी है, लेकिन जब प्रधानमंत्री किसी कार्यक्रम में मौजूद होते हैं तो उसकी ब्लू बुक जारी होती है बाकायदा, और उसके अकॉर्डिंग उनकी सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं। आपने खुद देखा होगा कि हर व्यक्ति, आने वाले व्यक्ति को जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आया है उसे बाकायदा पास जारी हुआ है, बाकायदा उसकी प्रॉपर जाँच हुई है, चाहे मैं हूँ और चाहे आप हो, तमाम मीडियाकर्मी भी सारे वो प्रॉपर जाँच करा करके। और कुछ ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर जिन लोगों ने प्रतिभाग किया है उनकी भी रही है। जब प्रधानमंत्री यहाँ मौजूद हैं तो निश्चित तौर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होगी, SPG रहती है, लोकल पुलिस रहती है, तमाम बिल्कुल सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच में प्रधानमंत्री मोदी इस इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मौजूद है और सीधे कुछ मिनट के अंदर वो उस जगह पर पहुंचेंगे जहां पर सारे उद्यमी उनका इंतजार कर रहे हैं, तमाम डेलीगेट्स उनके इंतजार कर रहे हैं, सीधे रूबरू होने का इंतजार कर रहे हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि निवेश का सबसे अच्छा परिवेश बढ़ चला उत्तर प्रदेश, यह स्लोगन दिया गया है जहाँ पर तमाम सारे उद्यमी, आप सारा समय के जो दर्शक हैं वो देख सकेंगे। और यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी जो चेयर खाली है यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, सीधी तस्वीर, बस कुछ सेकंड का फासला रह गया है, पीएम मोदी वहाँ पर पहुँच रहे हैं और उनके साथ में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो कि लखनऊ के सांसद हैं वह भी मौजूद हैं, मुख्यमंत्री योगी हैं और उत्तर प्रदेश के विकास की एक नई इबारत लिखने का काम लखनऊ के सी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया जा रहा है। देख रहे हैं कि तमाम डेलीगेट्स ताली बजाकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी सीधे पहुंच चुके हैं उस पैवेलियन में जहां पर देश के तमाम टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट जिनकी पहचान
केवल देश के अंदर नहीं बल्कि विदेशों के अंदर है, उनके साथ का ये फोटो सेशन का कार्यक्रम है। और मुख्यमंत्री के और प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम यहाँ पर मौजूद हैं, और इंडस्ट्रियल मिनिस्टर नंद गोपाल गुप्ता नंदी है, और तमाम सारी इंडस्ट्रीज आप देख सकते हैं जो इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के साथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मौजूद हैं। रजत, ये जो तस्वीर आप पीछे देख रहे हैं ये किस ओर इशारा कर रही है? उत्तर प्रदेश के विकास की न्यू किस तरीके से कितनी मजबूत होगी और भविष्य का उत्तर प्रदेश की? बिल्कुल, तो देखिए 1400 से ज्यादा ऐसी परियोजनाएं 80 हजार करोड़ की लागत आज महाशिलान्यास पीएम की ओर से किया जाएगा। शुक्रिया करेंगे रजत आपका जानकारी हम तक साझा करने के लिए।